सिंह राजपूत सुसाइड केस में एक्टर के पिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने पटना में रिया के खिलाफ FIR दर्ज कराई और कहा कि रिया ने ही सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाया था। उन्होंने कई आरोप लगाते हुए बिहार पुलिस से इस मामले की जांच करने की अपील की। सुशांत के पिता ने अपने बयान में कहा, मेरा बेटा सुशांत फिल्म लाइन को छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। तब रिया ने इस बात का विरोध किया कि तुम कहीं पर नहीं जाओगे और अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। लेकिन जब रिया को लगा कि सुशांत उसकी बात नहीं मान रहा और उसका बैंक बैलेंस भी बहुत कम रह गया है, तो रिया सुशांत के घर से काफी सारा महत्वपूर्ण सामान लेकर चली गई। केके सिंह के बयान में आगे है, उसने मेरे बेटे सुशांत का फोन नंबर अपने फोन में ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद सुशांत ने मेरी बेटी को फोन किया और उसने कहा था कि रिया मुझे कहीं फंसा देगी, वो यहाँ से काफी सामान लेकर चली गई है और मुझे धमकी देकर गई है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे इलाज के सारे कागज मीडिया को दे दूंगी और कह दूंगी कि तुम पागल हो, तुम्हें कोई काम नहीं देगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया है कि सुशांत की मुलाकात रिया से साल 2019 में हुई थी। उस समय तक सुशांत किसी तरह की मानसिक बीमारी से नहीं जूझ रहे थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि रिया से मिलने के बाद सुशांत मानसिक तौर पर परेशान रहने लगा। सुशांत के परिवार ने पूछा है कि अगर सुशांत का मानसिक बीमारी को लेकर इलाज चल रहा था तो इसके बारे में उनके परिवार वालों से कंसल्ट क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा रिया पर यह भी आरोप है कि वो सुशांत के ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें अपने घर ले गई और उसे ओवरडोज दिया गया। लेकिन रिया ने इस मामले में कहा था कि सुशांत को डेंगू है। केके सिंह का रिया पर आरोप है कि वो सुशांत को कोई फिल्म साइन नहीं करने दे रही थी। जब भी कोई फिल्म ऑफर आता तो वो उसे फोर्स करती कि सुशांत उसी प्रोजेक्ट को साइन करे जिसमें रिया उसके अपोजिट एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही हो। केके सिंह ने रिया पर आरोप लगाया कि रिया ने सुशांत के पुराने और भरोसेमंद स्टाफ को हटा दिया और उसकी जगह ऐसे लोगों को रिप्लेस किया जो रिया को जानते थे। वो इनके सहारे सुशांत को माइक्रो स्तर पर मैनेज करना चाहती थी। दिसंबर 2019 में रिया ने जानबूझकर सुशांत का मोबाइल नंबर बदलवा दिया ताकि वो अपने घर वालों से बात ना कर सके। इसके अलावा रिया उन्हें पटना अपने होम टाउन भी नहीं जाने देती थी। रिया पर यह भी आरोप है कि साल 2019 में सुशांत के खाते में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन कुछ ही महीनों में 15 करोड़ रुपए को ऐसे कई अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था जो सुशांत के साथ लिंक नहीं थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि रिया और उसके साथियों ने कितने पैसों का फ्रॉड किया है। गौरतलब है कि रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस को अपने बयान में कहा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत से शादी करने वाली थी और उन्होंने सुशांत के सुसाइड के बाद अमित शाह से CBI जांच की अपील भी की थी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।